नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टर्की के बारे में। हाल ही में टर्की को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टर्की की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग उनकी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनकी काफ़ी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिसके चलते आज टर्की इस मुकाम पर पहुंचा है कि वो ग्रे लिस्ट में चला गया अपने मित्र पाकिस्तान के साथ। अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे कैसे टर्किश प्रेसिडेंट रासिप तैयब अर्दोगान की पोजिशन ही खतरे में है और एक फ्यूचर का अंदेशा लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में, वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @RahulSai222। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड अर्ज यू टू गो टू studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल आर सर्विसेज। मंथ एंड डिस्काउंट चल रही है, डू अवेल दोज डिस्काउंट्स ऑल्सो। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और पहले चलते खबर के ऊपर। खबर, आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप स्टडी आई क्यू को फॉलो कर रहे हैं तो यू विल नो दिस, दैट टर्की हैज जॉइंड पाकिस्तान इन द FATF ग्रे लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पहुंच गया है टर्की अभी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल टर्की नहीं, जॉर्डन और माली भी ग्रे लिस्ट में डाले गए हैं इस पर्टिकुलर की रिव्यू में। अब सवाल ये उठता है कि ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे तो क्या होता है। देखिए, FATF की एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। जब ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो FATF उस पर्टिकुलर कंट्री को हाई रिस्क और मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन में ऐड कर देता है, यानी कि उस कंट्री के ऊपर कंटिन्यूसली सर्वेलियंस चलती रहेगी, उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उसके ऊपर कड़ी नजर होती है FATF की। जब ग्रे लिस्ट में जाते हैं तो उन कंट्रीज को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ऑल्दो अभी जो तीन कंट्रीज ऐड हुई है, जॉर्डन, माली और टर्की, तीनों ने भी प्लेज किया है कि वो स्टेप्स लेंगे टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, बट जैसे ही ग्रे लिस्ट में पहुंच जाते हैं तो एक नेगेटिव आउटलुक जरूर दिख जाता है उस कंट्री का, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री में, टूरिज्म भी कम हो सकती है, तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑफ एंडिंग अप इन द ग्रे लिस्ट। लेकिन एक पोटेंशियल डेंजर जरूर रहता है इस ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पहुंचने का। अगर स्टेप्स नहीं लेंगे तो दे वुड बी इवेंचुअली एडेड टू द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रुकी गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉप, बहुत सारे सैंक्शंस भी लगेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में वो पराया बन जाएंगे। ऑलराइट, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी विद टर्की राइट नाउ। अब सवाल ये उठता है कि टर्की के साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन टर्किश इकोनॉमी, और यहाँ पे उन्हें इस लिस्ट में क्यों डाला गया है। देखिए, अगर हम लोग टर्की की इकोनॉमी के बारे में बात करें, टर्की की जो करेंसी है लीरा कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रही है। आप यहां पे देख सकते हो 2015 से ही इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। 2021 में भी इट रीच्ड टू अ लोएस्ट पॉइंट। अब कब से ये डाउन चल रही है, मैं कहूंगा 2016 से ही इट इज गोइंग डाउन कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपको याद होगा 2016 में टर्की में एक मिलिट्री कू करने की कोशिश की गई थी, उस कू में उस्मान कवालो को अरेस्ट किया गया था। उस्मान कवाला अभी भी अरेस्ट में ही है। तो उसके बाद रासिप तैयब अर्दोगान ने इसको अपॉर्चुनिटी बनाई, इस कू को अपॉर्चुनिटी बनाई और भी ज्यादा पावर्स उन्होंने खुद के हाथ में ले लिए, और तब से लेकर वो इकोनॉमी में भी इंटरवीन हो रहे हैं। सेंट्रल बैंक जो है टर्की की, उसमें भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स दे रहे हैं। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ती हुई जा रही है, और साथ ही साथ 2020 में मैं कहूँगा COVID-19 की प्रॉब्लम्स भी चली, COVID-19 इन्फेस्टेड है ये इकोनॉमी भी, इसके चलते कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड स्लाइड चल रहा है। क्या अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे? देखिए, जब से लीरा इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, तब से जो टर्किश सेंट्रल बैंक है वो कोशिश कर रही है कि एक स्टेबिलिटी लाए। तो उन्होंने एक टाइम था जब कंटिन्यूसली उन्होंने अपने पॉलिसी रेट को कट किया, बहुत पॉलिसी रेट कट किया फ्रॉम 2019 टू 2020, और ये कहा जाता है यहाँ पे कि दिस वॉज क्लियरली ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रासिप तैयब अर्दोगान। इनफैक्ट टर्किश सेंट्रल बैंक में अर्दोगान का इतना दबदबा है कि वट एवर इज ऑर्डर इट हैपन्स। 2019 से तीन सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बदले गए हैं, पॉलिसी रेट्स आर कंटिन्यूसली बीइंग कट, ऑल्दो थोड़ा सा इंक्रीज जरूर हुई, लेकिन जिस दिन FATF ने टर्की को ग्रे लिस्ट में डाला उस दिन ही पॉलिसी रेट 200 बेसिस पॉइंट से गिराए गए थे। ऑलराइट, यानी कि ये पता चल रहा है कि रासिप तैयब अर्दोगान हैज कॉन्सेंट्रेटेड मोर एंड मोर पावर्स विथ हिम। इसके अलावा अर्दोगान के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए। अर्दोगान के जो सन है बिलाल अर्दोगान,
उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए, नेपोटिज्म के चार्जेस लगे हैं अर्दोगान के ऊपर। अर्दोगान डिस्पाइट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनकी खुद की फाउंडेशन को बहुत ज्यादा पैसा दे चुके हैं, ये सारी खबरें आ रही है, राइट। इसके साथ ही साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग की वीक प्रोविजंस के चलते एफएटीएफ ने इनको ऐड कर दिया है ग्रे लिस्ट में। तो एक तरफ ये है कि इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है, ऑपोजिशन जो है टर्की की वो कह रही है कि एर्दोगान शुड रेस्पेक्ट सेंट्रल बैंक। इनफैक्ट कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने तो ये कहा कि सेंट्रल बैंक गवर्नर शुड नॉट लिसन टू एर्दोगान, दे शुड रिजेक्ट एर्दोगान एडवाइस। तो अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है, एक तरफ टर्की की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है कई सालों से, मैं कहूंगा पिछले 5 से 6 सालों से काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है, एक तरफ पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप पंच अबाउट द वेट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी टर्की की न्यू ऑटोमनिज्म के ऊपर, आपको याद होगा, एक तरफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ आपकी ऐसी पॉलिसी चल रही है, पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ इस तरह की चल रही है जहां पे आप पूरे रीजन में एग्रेसिव बन रहे हो। क्यों? जस्ट बिकॉज टू गेट दैट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस। यहां पे टर्की ने पिछले 10 सालों में 77% डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में तो टर्की हैज यूज्ड अ फॉर्मूला फ्रॉम रशियन बुक, उन्होंने इस्तेमाल किया है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल किया, और ये प्रोमिनेंटली रशिया करता है। इसके अलावा खुद की इकोनॉमी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और आप दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हो रहे हो। टिपिकल एग्जांपल सीरिया, टिपिकल एग्जांपल आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोग टर्की के बारे में बात करें, टर्की की न्यू ऑटोमनिज्म की शिकार उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। एक हो गया ग्रीस और टर्की की मैरिटाइम इशूज़ के बारे में पता है, साइप्रस और टर्की की इशूज़ के बारे में पता है, टर्की इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन अजरबैजान। इनफैक्ट ये बताया गया कि टर्की की जो ड्रोन है बख्तियार TB2 वो यूज़ की गई थी बाय अजरबैजान इन द नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट विद आर्मेनिया। इसके अलावा टर्की इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सीरिया, टर्की इज इन्वॉल्व विद रेस्पेक्ट टू इसराइल, और पूरे मिडल ईस्ट रीजन में टर्की का दबदबा चल रहा है, राइट। टर्की ने इंपैक्ट किया है कतर को भी, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि मिडल ईस्ट इज लुकिंग एट 3 पोटेंशियल पावर सेंटर्स, एक तो हेडेड बाय टर्की, द अदर वन हेडेड बाय सऊदी एंड यूएई, एंड द थर्ड वन इज इसराइल, और इसमें ईरान इज ऑल्सो वन ऑफ द अदर डायमेंशन, ऑफ द अदर डायमेंशन इन मिडल ईस्ट, इसीलिए सो वी हैव स्पोकन अबाउट दैट। अब इन सब चीजों के बीच टर्की ने फाइनेंशियल इशूज जो चल रही है उसको बैक बर्नर पर डाल के पॉलिटिकल इश्यूज को भी हाईलाइट किया। हाल ही में अक्टूबर 24 तारीख को क्या हुआ था, टर्की की जो प्रेसिडेंट रासिप तैयप अर्दोगान, एक इलेक्शन रैली में उन्होंने अनाउंस किया कि 10 देशों के एम्बेसडर्स आर पर्सोना नॉन ग्रैटा, मतलब 10 देशों के एनवॉयज जो है, एम्बेसडर्स जो है, वो हमारे देश में नहीं रहेंगे, दे विल बेसिकली बी एक्सपेल्ड फ्रॉम टर्की। उन 10 देशों में यूनाइटेड स्टेट्स भी था, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारी थी, 10 वेस्टर्न कंट्रीज के एम्बेसडर्स को उन्होंने कहा कि हम एक्सपेल करेंगे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद जो टर्किश लीरा है इट फेल फर्दर, ऑल्दो ये डिसीजन को बैक ट्रैक किया गया, इस डिसीजन को कहा गया कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो थ्रू ऑन दिस, ये केवल एक थ्रेट था जहां पे एम्बेसडर्स को एक्सपेल करेंगे ये बताया गया था, बट क्लियरली ये एक मैं कहूँगा स्टेप था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कार्ड करते हुए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बैक बर्नर पर डालते हुए एक नेशनलिस्टिक फ्लेवर देने की कोशिश जरूर की थी। यहाँ पे टर्की वर्सेस वेस्ट एक डेवलपमेंट करने की कोशिश जरूर की थी बट विच हैज फेल्ड। अब इन सब डेवलपमेंट्स के चलते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के चलते, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के चलते, नाउ रासिप तैयप अर्दोगान्स पोल रेटिंग्स हैव टेकन हिट, दे आर एट ऑल टाइम लो। अगर आप टर्किश सिटीजन से पूछे आज अगर इलेक्शन होगा रासिप तैयप अर्दोगान विल ही विन अगेन, मोर देन 60% ऑफ पीपल से नो, हिज अप्रूवल रेटिंग हैज गॉन डाउन बिलो 40%। इसके अलावा जो टर्की की ऑपोजिशन पार्टी से, ये तो प्रो कर्डिश पार्टीज ने अर्ज किया था, दिस वॉज न्यूज फ्रॉम सेप्टेम्बर, बट रिसेंट टाइम्स में 6 ऑपोजिशन पार्टीज साथ में आई है टू फॉर्म अ कोएलिशन अगेंस्ट रासिप तैयप अर्दोगान। सो नाउ द फ्यूचर ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑन स्टेक, द प्रेसिडेंट हिज फैमिली हैज बीन क्वेश्चन, प्रेसिडेंट हैज बीन चार्ज्ड विद नेपोटिज्म, प्रेसिडेंट हैज बीन चार्ज्ड विद करप्शन फंडिंग हिज ओन फाउंडेशंस। अब इन सब के चलते 2023 में जब इलेक्शन आएगा उसके ऊपर सभी की नजर रहेगी, विल अर्दोगान सर्वाइव,
विल टर्की ट्रांसफॉर्म, कैसे अर्दोगान इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से टर्की को बाहर लाएंगे, कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो आगे ले जाएंगे, इन सब के ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। इनफैक्ट देयर विल बी अ कीन आई ऑन दिस। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी आईक्यू। बट एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है कि 2023 में कैन रसेप तैयप अर्दोगान विन द इलेक्शन अगेन। एज ऑफ नाउ टर्की अंदर अर्दोगान इज इम्प्लोडिंग, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अभी सबको दिखाई दे रही है वो ग्रे लिस्ट में चले गए। उनकी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज के कारण जो भी उनके नेबर्स थे, जो भी पार्टनर्स थे, वो भी दूर हो चुके हैं। इन सब के चलते देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट इट वुड बी आइसोलेटेड इन फ्यूचर। विल कीप एन आई ऑन दैट। अगर कोई खबर आएगी तो विल डिस्कस एज सून एज पॉसिबल, बट राइट नाउ दैट इज इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।